हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, आपका जो क्वेश्चन है मेरे पुरानी वीडियो में बहुत सारे लोगों का कि कौन सा बेटर कोर्स होता है, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस। कुछ लोग डिस्टेंस को ऑडियल मोड भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इन दोनों में से क्या बेस्ट है, इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोज़ में इतने सारे कमेंट हैं आप सबके कि इन दोनों में से आप कौन सा कोर्स बेटर रहता है। तो इसको फुल ऑन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मतलब ऑडियल मोड। तो इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, मैं अच्छे से आपको क्लियर करूँगा आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। और इस वीडियो में लास्ट में आपको ये भी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इग्नू के अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड से कोर्स प्रोवाइड करती है, और क्या फ़ायदे उन यूनिवर्सिटी से करने के। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो में लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो आपकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना देरी करे। अच्छा, जब इग्नू की बात आई तो इग्नू के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि रिव्यू हो जाए इग्नू यूनिवर्सिटी का। इग्नू यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1985 में। इसके पास है UGC एंड JEE अप्रूवल, साथ में NAAC A++ का एक्रेडिटेशन। ये आपको एक वैलिड डिग्री ऑफर करती है, आपको UG एंड PG में सभी कोर्सेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में। इसकी जो डिग्री है वो ग्लोबली वैलिड है, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। चलो सबसे पहले आप बात करते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग के। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है मैं आपको बता दूं, मतलब ऑडियल मोड में क्या होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग में। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम देने आपको सीधा एग्ज़ाम की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको जो आपके एग्ज़ाम होंगे डिस्टेंस लर्निंग वो आपको आप रीजनेबल सेंटर पर जाके देने पड़ेंगे। जो आपका रीजनेबल सेंटर पड़ेगा वहाँ रीजनेबल सेंटर पर जाके आपको देना पड़ेगा। ये होता है डिस्टेंस लर्निंग में। और वही बात करें जब ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। अब बात करते हैं इसके लर्निंग की, मतलब स्टडी की, कैसे स्टडी होती है। तो मैं आपको बता दूँ डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, सैटरडे संडे क्लासेस होती है, वो आपको आपके रीजनेबल सेंटर पर जाके क्लासेस लेनी होती है। और वहीं जब ऑनलाइन की बात आती है तो वहाँ ऑनलाइन में आपके जो क्लासेस होंगी वो आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, मतलब LMS मिलेगा। वहाँ से आप ऑनलाइन के थ्रू स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकते हो, वहीं से आपको क्लासेस मिलेंगी। और फिर वहीं बात करें दोबारा डिस्टेंस लर्निंग में असाइनमेंट कैसे सबमिट होते हैं और असाइनमेंट कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ डिस्टेंस लर्निंग में आपके जो असाइनमेंट होंगे आप अपने हाथ से पूरे अच्छे से करेंगे, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को करने के बाद अपने रीजनेबल सेंटर पर जाएंगे, वहाँ सबमिट करेंगे। और वहीं बात करें जब ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन मोड में क्या होता है आपके जो असाइनमेंट भी होंगे वो असाइनमेंट भी आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो। अगर एक वर्ड में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर ऑनलाइन मोड है तो टोटली सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, चाहे वो आपका एडमिशन हो, असाइनमेंट हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। तो और वहीं बात करें डिस्टेंस लर्निंग की, तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि आपको अधिकतर आपको रीजनेबल सेंटर पर जाके अपने स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है, असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम देने आपको वहीं पे जाना पड़ता है। और हाँ, बात अगर एडमिशन की है तो डिस्टेंस लर्निंग में आप एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। और यही था इन दोनों में डिफरेंसेस, ऑडियल मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग में और ऑनलाइन में। और भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आगे पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा आपको खुद सोचना है कि आप कैसे बेटर फील करते हैं। आपको स्टडी अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो आप ऑनलाइन में जाइए, अगर आप आपको अगर ऐसा फील होता है कि नहीं आप तो टीचर के सामने बैठ के ही और ऑफलाइन जाके ही पढ़ सकते हो, अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो, तो आप डिस्टेंस लर्निंग में जाइए। दोनों आपके लिए बेटर है, आपको सोचना आपके हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस। और एग्ज़ाम देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा जाके रीजनेबल सेंटर पर जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप सीधा आप डिस्टेंस लर्निंग चूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के रीजनेबल जो आपके सेंटर पड़ता है वहाँ जाके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। वहीं ऑनलाइन में अगर आप एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑनलाइन में शिफ्ट कर सकते हो। आपको खुद सोचना आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, और इसमें कोई भी प्रोस एंड कॉन्स नहीं है कि मतलब क्या फ़ायदे हैं डिस्टेंस के या क्या घाटे हैं डिस्टेंस के, क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन के या क्या घाटे हैं ऑनलाइन के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें। आपको खुद सोचना आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, मैंने आपको दोनों चीज़ कंपेयर करके बता दी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था सिर्फ इग्नू ही नहीं या फिर DOSOL ही नहीं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में कोर्स प्रोवाइड करती है,
और बहुत सारे फायदे हैं उन यूनिवर्सिटी के करने के। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, अमृता ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। अब आप सोचोगे इतनी सारी यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रहा हूँ, और ऊपर से इग्नू भी है, TOSL भी है, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। आप इन सारी यूनिवर्सिटी को आप एक क्लिक में 2 मिनट में कंपेयर कर सकते हो कि इनमें से आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, collegevidya.com पर जाना है। collegevidya.com का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट में पिन भी करा हुआ है। collegevidya.com पर आप जैसे ही जाएंगे आपको ऊपर सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी दिखेगा, वो AI टूल है, आपके अकॉर्डिंग ही वो यूनिवर्सिटी आपको दिखाएगा और आपके बजट और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप चाहो तो सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी का लिंक भी मैंने आपको कमेंट में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डायरेक्ट सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी पर भी जा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आपसे कोर्स पूछेगा, आप अपना कोर्स क्लिक करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, उन बेसिक डिटेल को जैसे ही आप फिल करेंगे वो सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी जो कोर्स आपने सेलेक्ट करा हुआ हो। जैसे आपने MBA कराया या BA कराए, आप PG कर रहे हो, UG कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो सारे कोर्स यहाँ पे हैं अवेलेबल। वहाँ से आप 100+ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, इन सबको आप देख के 3 यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो, देखो कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी में से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो, ये देखो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स ने रेटिंग अच्छी दे रखी है, और आप यहाँ पे ये कंपेयर कौन सी यूनिवर्सिटी आपको EMI प्रोवाइड करा रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी की फीस कम है ज़्यादा है। ये सारी चीज़ कंपेयर करने के बाद आप यहीं से डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहीं से एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि इन यूनिवर्सिटी करने के बहुत सारे फायदे, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ कि क्या फ़ायदे हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी जो है वो आपको LMS प्रोवाइड नहीं करती, मतलब LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको एक सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करती है। उस रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू आपको अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है, चाहे वो डिस्टेंस मोड हो चाहे वो ऑनलाइन मोड। मतलब डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको संडे या फिर सैटरडे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। और ऑनलाइन में क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सीधा रिकॉर्डेड लेक्चर से ही पूरी स्टडी कंप्लीट करनी होगी। और इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ वहीं से अपनी स्टडी करो, अच्छे से नॉलेज भी गेन नहीं हो पाती। वहीं बात करें इन यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी है मैंने आप कंपेयर करके दिखाई, ये यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको एक LMS प्रोवाइड होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव क्लास के साथ साथ आपको एक डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है। आप डिजिटल लाइब्रेरी में अपनी कोई कुछ भी स्टडी कर सकते हो अपने कोर्स की, और कोर्स के अलावा भी आपको कुछ और चीज़ की नॉलेज लेनी है तो आप डिजिटल लाइब्रेरी से वहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हो, स्टडी कर सकते हो। साथ में वो ये आपको एक अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लासेस दिलाते हैं, मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट कौन होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी पोजीशन पे है, उन्होंने अगर आप मान लो कि आप BA कर रहे हो या फिर आप MBA कर रहे हो, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छी सैलरी गेन कर रहे हैं, अच्छी जॉब में है, तो उनसे डायरेक्ट क्लास दिलवाते हैं आपको कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें आपको इग्नू प्रोवाइड नहीं कराता है, पर ये सारी यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड कराती है। और दूसरी चीज़ बात आती है प्लेसमेंट की, कि इग्नू आपको प्लेसमेंट की श्योरिटी तो देता है लेकिन प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है, क्योंकि उनकी पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी ये नहीं है कि हाँ ये मेरे पार्टनर हैं यहाँ पे हम प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे, मैं वहाँ से खुद पास आउट हूँ, तो प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। और ये सारी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, तो आपको खुद सोचना है, एक बार एडमिशन लेने से पहले कंपेयर करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अच्छा, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, अगर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट है, वो गिफ्ट ये है कि collegevidya.com से अगर आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपका जब स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है तब collegevidya क्या करता है, आपका जो रिज्यूमे है उस रिज्यूमे को अपने 120+ पार्टनर्स के साथ शेयर करेगा और वहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिलवाने में पूरी 100% कोशिश करता है। तो इसके जो चार्जेस हैं आपके रिज्यूमे को बिल्ड करा के अलग अलग कंपनी में पहुंचाने के, वो चार्ज हैं 12,000 रुपीज़। लेकिन अगर मेरे दिए हुए लिंक से आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल 0 रुपीज़ लगने वाले, कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है, कंपेयर करना है, तो मेरे दिए हुए लिंक से जाना, वहाँ से जाने के बाद आपको बिल्कुल फ्री में ये फैसिलिटी मिलेगी। आई होप दोस्तों पूरी वीडियो समझ आएगी, कौन सा मोड आपके लिए बेटर है, ऑनलाइन मोड या फिर डिस्टेंस मोड।
और मैंने आपको बताया कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले कंपेयर करके देखिए, आप देखिए आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। और वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कभी भी पूछें, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।